उदयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोलियारी कस्बे में 9 दिन पूर्व हुई जैन दंपति की हत्या के मामले में उदयपुर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। उदयपुर पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार ने बताया कि उदयपुर जिले के फलासिया पुलिस थाना क्षेत्र के कोलियारी कस्बे में 9 दिन पूर्व कस्बे के देवीलाल व उनकी धर्मपत्नी की चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। घटना का पता सुबह दूध देने आए युवक को चलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मामले की जानकारी पर जिला पुलिस प्रशासन की टीम 50 से अधिक पुलिस टीम मौके पर मामले की जानकारी के लिए जुट गई। 9 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 100 से अधिक संदिग्ध को लाकर थाने में कड़ी पूछताछ की गई। शुक्रवार को पुलिस के हाथ बड़ी लगी सफलता, जिसमें 4 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP डॉक्टर राजीव प्रचार ने बताया कि आरोपी दिनेश पिता कालू ग्रासिया, उम्र 21 साल, निवासी डोलरिया प्यारचंद, पिता प्रभुलाल डामोर, उम्र 22 साल, निवासी आड़ा लाकड़ा थाना पांदरवा, कमलेश, पिता रोशनलाल, उम्र 22 वर्ष, डोलरिया थाना पांदरवा, नारायण, पिता नकाराम कटारा, उम्र 21 वर्ष को हिरासत में लिया। आरोपी चारों मृतक देवीलाल व उसकी पत्नी के घर लूट की नीयत से प्रवेश कर हत्या का प्रयास करने का स्वीकारा। चारों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर राजीव प्रचार द्वारा पुलिस अधीक्षक उदयपुर टीम के अनंत कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उदयपुर, गिरधर सिंह वृत्ता अधिकारी झाड़ोल, प्रेम धंधे वृत्ताधिकारी गिरवा, भूपेंद्र सिंह वृत्ताधिकारी कोटड़ा, देवीलाल थाना अधिकारी झाड़ोल, रमेश चंद्र थाना अधिकारी फलासिया, हनुमंत सिंह राजपुर जिला प्रभारी स्पेशल टीम अमराराम थाना प्रभारी पांदरवा के साथ जिले की स्पेशल साइबर टीम सेल ने पुलिस कर्मियों का गठन किया गया। आरोपी को पूछताछ में दिनेश पिता कालूलाल द्वारा बताई गई पारंपरिक जरूरतों के चलते 17 अगस्त 2020 को सोने के आभूषण मृतक देवीलाल के पास गिरवी रखे थे। वह पैसे प्राप्त किए। कमलेश पिता रोशनलाल अपने चाचा सेठ देवीलाल के जेवरात भी गिरवी रख पैसे प्राप्त कर रखे थे। दिनेश व कमलेश द्वारा यह बात गांव के प्यारचंद पिता प्रभुलाल, नारायण लाल पिता नकाराम को बताई। चारों ने मिलकर मृतक देवीलाल के घर लूट करने की योजना बनाई। घटना से 2 दिन पूर्व ही मृतक के घर आसपास रेकी की योजना बनाई। घटना से सभी सकड़ी गली व उनके पीछे की जानकारी प्राप्त की। ऐसा रास्ता तय किया कि आवाजाही कम हो, घटना के बाद आसानी से बचा जा सके। घटना के दौरान किसी भी प्रकार का खतरा होने पर हमला किया जा सके, इससे बाद छोटे धारदार हथियारों की व्यवस्था भी की। दोपहर में सभी आमलेटा घाटा में मिलकर शराब की पार्टी की। उसी दिन रात के समय घटना को अंजाम दिया। अंधेरा होने पर आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर आमलेटा घाटा रवाना होकर कोलियारी गांव में हाईवे पहुंचे, जहां हाईवे के किनारे मोटरसाइकिल छोड़कर सकड़ी गलियों में होते हुए मृतक के घर पहुंचे। आसपास रेकी कर देवीलाल के घर में प्रवेश किया। देवीलाल के कमरे में प्रवेश कर मृतक देवीलाल को कुछ बोलता उससे पहले ही आरोपियों ने पकड़ लिया, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी पुष्पा देवी आई, जिसकी शेविंग ब्लेड से हत्या कर उसके बाद आरोपियों ने देवीलाल को तौलिए से दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने कमरे में लगी ताले की चाबी से तिजोरी वाले कमरे में प्रवेश किया, परंतु तिजोरी की चाबी नहीं मिलने के कारण तिजोरी नहीं खुल पाई। तिजोरी बहुत भारी होने के कारण साथ भी नहीं ले जा सके। नगद हाथ में आई राशि व लेकर भागने में सफल रहे। खुलासा में विशेष योगदान पुलिस थाना पांदरवा के हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, दिलीप गोवर्धन विलास थाना टीम की स्पेशल टीम का रहा। थाना खलासिया के कोलेरी गांव में 10 तारीख को सुबह 2 डेड बॉडी मिली थी देवीलाल और उनकी पत्नी की। मुकदमा उनके बड़े भाई की तरफ से दर्ज हुआ था, धर्मचंद जी की तरफ से, जिन्होंने बताया कि मेरे भाई यहाँ रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, उनके परिवार में कोई बच्चा नहीं है, दोनों अकेले रहते थे।
और गहने गिरवी रख के पैसा ब्याज पे देने का काम वो करते थे। कोलहरी कस्बे के बीचों बीच उनका घर था और वहीं उनकी दुकान थी। 10 तारीख को सुबह जब दूध देने वाला आया तो उसने देखा कि उन दोनों की डेड बॉडी है वो घर के अंदर पड़ी हुई है। इस इतला पे FSL टीम, डॉग स्क्वाड, सारे अधिकारी मौके पर पहुँचे, मौका निरीक्षण किया। वारदात की तफ्तीश और घटनास्थल के खुलासे के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। अनंत कुमार जी एडिशनल SP जो हेडक्वार्टर हैं उनके नेतृत्व में CEO गिरवा, CEO झाड़ोल, CEO कोटड़ा, SHO झाड़ोल, SHO फलासिया, SHO पनरवा, DST टीम हनुमंत सिंह जी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें, इसके अलावा स्पेशल टीम गोर्धन विलास थाने की, इन सारी टीमों को लगाया गया। अलग अलग इनको काम दिए गए, टेक्निकल बेसिस पे भी एनालिसिस किया, CCTV बेसिस पे भी एनालिसिस किया, पुरानी हिस्ट्री इस तरह के लोगों की जिनकी रही थी, इस तरह के लोग वारदातें जो करते रहे थे उनसे भी पूछताछ की। इलाके के सभी बीट कॉन्स्टेबलों को बताया गया कि इस प्रकार की घटना में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं तो उनकी भी जानकारी ली जाए, और लगातार दिन रात टीमों की मेहनत से नतीजे से ये आरोपियों की पहचान हुई, जिसमें 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। दिनेश है, कमलेश है, प्यारचंद और नारायण। इसमें से दिनेश के खुद के रकम 2020 में खुद पैसे वहाँ पे अपने गहने हैं वो गिरवी रख के और पैसे उधार लेके आया था। इसके अलावा कमलेश के भी परिवार के कुछ लोगों ने वहाँ पे गहने रखे हुए थे, तो इन लोगों को ये जानकारी थी कि इनके घर में हर समय पैसा और गहने दोनों रहते हैं। लूट के इरादे से इन्होंने वारदात की। पूरे दिन 9 तारीख को इन्होंने शराब पी बैठ के और रात में ये घर के अंदर घुसे सीढ़ियों से होकर। जाग होने पे ये चाबी की तलाश कर रहे थे, उसी दौरान जाग होने से, दोनों लोगों के जगे होने से उन्होंने उनका विरोध किया, और विरोध करने पे इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। घर की तलाशी ली, तिजोरी चूँकि इनसे खुल नहीं पाई और तिजोरी का वजन ज़्यादा था ये उठा के साथ ले जाने इसके, इसलिए जो रकम थी वो अपने साथ, जो पैसा नगद थोड़ा बहुत इनको मिला वो लेकर ये अपने चले गए। वारदात में बाकी जो साक्ष्य हैं FSL टीम के साथ मिलकर दोबारा अब जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। पूरी टीम को कितने दिन की मेहनत लगी और सर किस तरह से कठिनाई आई सामने? 7 दिन से टीम लगातार उसी इलाके में, इस टीम ने उसके अलावा एक्सक्लूसिवली दिन और रात वहीं कैंप करके यही काम कर रहे थे। लगभग 200 लोग हमारे लगे थे अधिकारियों से, और एक बड़ा चैलेंज था ये दोहरा इस तरह का मर्डर की वारदात लूट के इरादे से होना, उसका खुलासा पूरी उदयपुर पुलिस के लिए चैलेंज था। टीम ने दिन रात मेहनत करके लग के लगभग 100 लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ भी की, कई तरह के डाटा भी निकाले, पुराने लोगों के बारे में मुखबिरी गांव में लगाई, मौजूद लोगों से बातचीत की और उसके आधार पर गिरफ्तारी ली। सर जब ये गए थे तो मतलब लूट की नीयत से ही गए थे, मारने के इरादे से नहीं गए थे, और उसके बाद उन्होंने विरोध किया थे? तब ये था कि लूट करेंगे, लेकिन इस तैयारी के साथ भी थे कि यदि कहीं कोई विरोध होता है तो निश्चित रूप से उसमें यदि मर्डर भी करना पड़े तो वो कर देंगे। एक व्यक्ति को बाहर इन्होंने खड़ा किया था मोटरसाइकिलों के रखवाले के लिए, मोटरसाइकिल लेके गए थे, मोटरसाइकिल दूर खड़ी कर दी और 3 व्यक्ति घर के अंदर घुसे और उन्होंने सारी वारदात को अंजाम दिया। सर पुराने कोई रिकॉर्ड है? इनका पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर हमें खुद को भी इस बात का वो है कि पहली बार इस तरह की वारदात जो करते हैं, सामान्यतः कम होता है। अभी भी इन्होंने पूछताछ में बताया कि आगे भी इनकी दोबारा वारदात करने की प्लानिंग थी, क्योंकि इस वारदात के दौरान इनको कोई बहुत ज़्यादा पैसों की नहीं मिल पाई थी। ये बेसिकली इलाके में जो मुखबिर लगाए थे, तो मुखबिरों से इतला आई कि इस तरह के 4 लोग हैं जो कि पिछले 3-4 दिन से लगातार शराब पी रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों में हो सकते हैं। उस संबंध में जब लाके इनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी पूरी कहानी को ले ली। हत्या में जो मुख्य हथियार है 2 टावल तोली जिनसे गला घोंट के मारा, इसके अलावा जो अपनी सेविंग ब्लेड होती है वो अपने साथ लेके गए थे, सेविंग ब्लेड से गला घोंट।